Today we are going to see derivative part, future and option strategies. Okay? अभी future and options क्या है, derivatives क्या है, सबसे पहले मैं यहां से शुरू करूंगा. सबसे पहले मैं investing part मैं आपको बताऊंगा what is the difference between equity cash and derivatives. For example, अगर HDFC bank है, one is equity. There is one equity cash. आप जो हमेशा ट्रेड करते हैं वो, and another is derivative part of our futures, and another is options. Okay. For example, HDFC bank. अगर 1500 रुपीस चल रहा है, उसका lot size है 550. अगर equity cash में अगर investment करना चाहेंगे इतने बड़े lots का, तो आपको अराउंड 8,25,000 आपको भरना पड़ेगा टोटल. ओके, सेम चीज अगर आप फ्यूचर में अगर लेते हैं, 1500 रुपीस प्राइस है, 550 लॉट साइज, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1.4 लाख समथिंग आपको देना पड़ेगा. मींस अगर आप फ्यूचर में अगर ट्रेड करते हैं, आपको मिनिमम लॉट साइज आपको 550 लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको एनएससी आपको 80% डिस्काउंट से आपको ट्रेड करने के लिए बोल रही है. तो ये हुआ थोड़ा सा रिस्क फैक्टर, थोड़ा सा रिस्क कम हो गया. जहां आपको 8 लाख भरने थे, यहाँ पे आपको 1.5 लाख में काम हो रहा है. और ऑप्शंस में आपको अराउंड 35 रुपीज का प्रीमियम देना पड़ता है, 550 लॉट साइज, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस आपको अराउंड 20,000 के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है फॉर 1 मंथ. दिस इज द 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और ये आपका लाइफ टाइम है. सपोज अभी यहां पे आप सिंगल शेयर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कम से कम 550, हर एक कंपनी का एक लॉट साइज फिक्स है, जैसे कि रिलायंस का 250, एचडीएफसी का 550, बजाज फाइनेंस का 125, हर एक कंपनी का एक लॉट साइज फिक्स किया गया है एनएससी ने. क्योंकि देखिए अगर 80% अगर कोई डिस्काउंट देता है तो आपको कम से कम इतना क्वांटिटी तो लेना पड़ेगा, ऐसा एक रूल है हर एक बिजनेस में है. तो इस यही वजह है आपको कम रिस्क में इधर आपको ट्रेड लेने के लिए अलाउ किया जाता है. और इसमें रिस्क कितना कम है मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा अभी थोड़ी देर में. और मिनिमम प्रॉफिट में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे करना है, लॉस विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड कैसे करना है, विद इन 1 मंथ आपको प्रॉफिट ही आ जाएगा, इसमें आप जीरो लॉस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं ये स्ट्रेटेजीज पे. ओके, फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजीज ऐसी है. अभी मैं एक ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे एक्सेल शीट है. मैं शायद अल्गो बुल के साथ ये एक्सेल शीट शेयर करके मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा. किसी को चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू यश एंड दिस लवीना. ओके, अभी ये सब लॉक किया है मैंने, सब सारे फॉर्मूलास. इसमें आपके डेटा एंट्री कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले अगर आपको एचडीएफसी में या तो फिर निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे. सी, मैं सबसे पहले ओपन करूंगा ऑप्शन चेन nseindia.com. ओके, यहां पे मैं जाऊंगा निफ्टी. निफ्टी में डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के बाद ऑप्शन चेन, वन सेकेंड. डेरिवेटिव्स के बाद आई विल गो टू ऑप्शन चेन, हियर आई विल क्लिक हियर. अभी ये पूरा ऑप्शन चेन ओपन हो रहा है, बराबर. अभी ऑप्शन चेन में अभी करंट प्राइस जो है, जो जो कलर्स आपको दिख रहे हैं, येलो व्हाइट, ये पुट साइड में येलो व्हाइट, ये एक लेफ्ट साइड में आपका कॉल का टीम का प्रीमियम है और राइट साइड में आपका पुट का टीम का प्रीमियम है. अगर आपका व्यू बियरिश है तो करंट प्राइस चल रहा है 17,324, मींस दिस इज द योर करंट प्राइस. दिस इज मेरा हाईलाइट, अगर माउस दिखता है तो देखिए, दिस इज योर करंट प्राइस 17,300. ओके,
अगर आपका आज मार्केट तो गिर गया पूरा अराउंड, गिरा भी नहीं मतलब जहां था वहीं पे आके रुका है, ना ही ऊपर गया है ना ही नीचे गया है, ओके अभी मतलब थोड़ा सा बेयरिश होके वापिस थोड़ा सा संभल गया है मार्केट। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए आपका व्यू, अगर आपको वन सेट ट्रेड लेना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस देखने की जरूरत है, अगर आपको हेजिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस कोई जरूरत नहीं है इसमें। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है और आपको पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ओके तो फिर ये स्ट्रेटेजी आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपका व्यू सब बुलिश भी है बियरिश भी है, अगर मैं दोनों तरफ से ट्रेड लेता हूं तो व्हाट आई विल डू, आई विल बाय 17350 का प्रीमियम है 87 रुपीज, या ये ब्लू कलर का जो कॉलम है LTP दैट इज द योर प्रीमियम प्राइस, एंड मिडिल में जो है वो सब स्ट्राइक प्राइस, और राइट साइड में ब्लू कलर का जो है वो पुट का प्राइस है प्रीमियम प्राइस, ओके अभी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना होगा और कितने दिन तक रख सकते हैं वैसा सब होगा, बराबर है। अभी ये जो ऑप्शन चेन मैंने ओपन किया है ये दिस इज 16 दिसंबर, ओके मतलब थर्सडे एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक मेरा ये रेट ये रहेगा, ओके नाउ एक्सपायरी तक जैसे है कि लास्ट वीक जैसे कि निफ्टी आपने देखा है 400 पॉइंट्स कभी 300 पॉइंट्स ऊपर या नीचे ऊपर या नीचे ऐसा देखा है एक्सपायरी एक, एक दिन में भी आपने देखा। सपोज मेरे पास अभी 2 दिन बाकी है एक्सपायरी के लिए और मुझे पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अभी मार्केट जितना भी डाउन साइड है हो सकता है कि थोड़ा 50% भी करेक्शन कर ले, या तो हो सकता है कि और नीचे जाएगा सेम, ओके मैं दोनों तरफ से सोच के मैं ट्रेड लेता हूं, मैं दोनों तरफ से सोच के मैं अगर ट्रेड लेता हूं तो क्या मिलेगा जरा देख लीजिए। सपोज देखिए 17350 का कॉल मैं लेता हूं 87 रुपीज में, एंड 17300 का कॉल सॉरी पुट लेता हूं मैं 84 रुपीज में, तो मैं अभी इसमें यहां पे मैं डेटा एंट्री कर रहा हूं, करंट प्राइस इज 17350, ये एट द मनी में 325 दिस इज द करंट स्पॉट प्राइस, ओके मैं डिस्टेंस दे रहा हूं 75 का मतलब, और यहां पे मैं एक कॉल का एंट्री ले रहा हूं 1 I am buying call। अभी ये एक्सेल शीट कैसे यूज करना है मैं आपको इसके सेशन में अलग से ले लूंगा मैं आपको, फिलहाल मैं आपको इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द अगर मैं अगर ये दोनों ट्रेड लेता हूं तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निफ्टी अगर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस प्राइस पे अगर पहुंचता है तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा और कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ये कैसे कभी करना है आपको, ट्रेड लेने से पहले आपको ये एनालिसिस करना जरूरी है, वरना आप बोलेंगे मैंने ये लिया और निफ्टी इधर गया और मुझे इतना ही मिला मतलब इतना लॉस हो गया, इतने निफ्टी अगर 50 पॉइंट्स भागने के बाद भी मेरा स्ट्राइक प्राइस मूव नहीं हुआ, ये कैलकुलेशन जो है डेल्टा थीटा के लेक्चर्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। अभी आप इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द व्यू कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना आपका ये प्राइस एक्शन कैसा होगा ये आप अभी देख लीजिए, ओके सी निफ्टी मैं बाय कर रहा हूं अभी मैं 1 कर रहा हूं लॉन्ग एंड शॉर्ट, यहां पे 1 किया तो लॉन्ग, स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूं मैं 17350 एंड 84 आई थिंक सो प्राइस है उसका, एक सेकेंड इसका प्राइस है 350 का 87 है एंड 300 का है 84, ओके 87 प्रीमियम दे रहा हूं मैं एंड लॉट साइज इज 50, ओके नाउ अभी वन सेट ट्रेड लेने के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 4350, ओके अगर 2 दिन में टिल थर्सडे अगर निफ्टी अगर नीचे भी जाता है तो मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाए, ओके अगर अपसाइड 75% पॉइंट और 150 पॉइंट मूव होता है तो 1900, यहां पे एक मिनट यहां पे 100 लेता हूं, अगर 200 पॉइंट अगर मूवमेंट देता है एक्सपायरी तक तो मुझे 4400 प्रॉफिट मिल रहा है यहां पे, अगर 300 मूवमेंट दे रहा है अगर 2 दिन में तो 9400 मुझे प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन डाउन के चला गया तो मेरा खाली 4350 ही चला जाएगा।
अभी मैं ये बुलिश है इसलिए मैंने वन साइड ट्रेड लिया, अभी मुझे पता नहीं अगर बियरिश भी हो सकता है तो मैं क्या कर रहा हूं इसके साथ साथ मैं पुट भी बाय करता हूं, ये भी करता हूं। नाउ 17300 का मैं पुट बाय किया, 84 प्रीमियम दे दिया, बराबर है। अभी मेरा रिस्क है, मेरा इन्वेस्टमेंट है 8550, ये जो बीच में दिख रहा है ना, दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, ये वाला। तो अगर निफ्टी थर्सडे तक नीचे भी आ जाता है 200 पॉइंट्स और 300 पॉइंट्स नीचे भी आ जाता है तो मेरा प्रॉफिट होता है 5200। अगर निफ्टी 300 पॉइंट्स दो दिन में अगर चला जाता है 5200 इस तरफ भी जाएगा, लॉस कहां पे होगा? अगर निफ्टी उधर का उधर रुका तो मेरा इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाएगा। अगर पॉसिबल नहीं है कि निफ्टी दो दिन के लिए उधर का उधर रुके, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। आपने देखा है निफ्टी एक दिन में 250-300 पॉइंट अभी लास्ट वीक से आपने देखा है, या तो नीचे जाता है 250 पॉइंट या तो ऊपर तक चला जाता है 250 से 300 पॉइंट एक दिन में। मुझे दो दिन का टाइम है, अगर पॉसिबल है जहां पे गिरा वहां तक चला गया, फॉर एग्जाम्पल 17700 या 1800 तक चला गया, 1800 तक नहीं जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक 300 पॉइंट भी चला सकता है, 300 पॉइंट दो दिन में आ सकता है या तो 300 पॉइंट और नीचे जा सकता है। ओके, तो मुझे अराउंड अप्रोक्सीमेट 5200 का प्रॉफिट हो ही जाएगा ये स्ट्रेटेजी में। ये स्ट्रेटेजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल। ओके, दिस स्ट्रेटेजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल। ओके, ये कभी लेना है आपको? फॉर एग्जाम्पल जब भी मार्केट की वॉलेटिलिटी ज्यादा है वो टाइम पे कोई भी इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्टर का कुछ पॉलिसी चेंज का इवेंट है, वो फॉर एग्जाम्पल मोदी, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक का एजीएम है, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस का कोई एजीएम से एक दो दिन पहले ये स्ट्रेटजी लगा के रख सकते हैं आप। या तो मार्केट ऊपर हो सकता है या तो नीचे जा सकता है, अगर पॉजिटिव न्यूज है तो फटाक से 200-300 पॉइंट का मूवमेंट करता है, और अगर निगेटिव हो गया तो सेम पॉइंट्स पे नीचे भी आ सकता है। इसलिए आप दोनों तरफ से ट्रेड लेके आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, ये हो गया एक स्ट्रैटेजी। ओके, एंड अनदर स्ट्रैटेजी, अभी मैं पूरा जीरो करता हूं, एक मिनट, ये डेटा मैं जीरो करता हूं, अगेन दिस जीरो 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 जीरो। नाउ सी, लॉट साइज ऐसे रखता हूं। अभी देखिए एक दूसरा इन्वेस्टमेंट है, आपने देखो पूरा मंथ में आप कितने प्रॉफिट करते हैं, अच्छी बात है। कोई कोई है ना इसमें लॉस भी करता है, एक दिन का कम से कम इंट्राडे में अगर रिस्क लेते हैं वो लोग, और वन डे का ही टाइम लेता है उनको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए और मार्केट को जज करने के लिए। इसलिए इंट्राडे में अगर जो भी इन्वेस्ट करता है वो कम से कम, मुझे नहीं मालूम, मैं जब इंट्राडे करता था तब से कम 2-3 हजार का लॉस बेयर करता था इंट्राडे में। क्योंकि सेम अगर मैं आईबुल का ट्रेड लेता हूँ अप ट्रेंड के लिए, वो सेम डे अगर वो लॉस डाला जाता है तो 4-5000 का लॉस मैं बेयर करता था, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं वो टाइम पे। लेकिन सेम इन्वेस्टमेंट आपको वन मंथ के लिए अगर होल्ड करने को मिलता है, वन मंथ के लिए सेम इन्वेस्टमेंट, तो अच्छी बात है ना। देखिए इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, पहली बात तो मार्जिन मिलता है, तो आप क्या करते हैं इंट्राडे इक्विटी कैश में, आप इक्विटी कैश में, सॉरी इक्विटी, ये इक्विटी कैश में आप लोग इंट्राडे करते हैं और बड़े बड़े क्वांटिटी में आप रिस्क लेते हो। सपोज माना एचडीएफसी बैंक आपने इंट्राडे में ले भी लिया ट्रेड और वो दिन डाउन चला गया, आपका समझो 4-5000 लॉस हो गया। नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर चला गया तो आप बोलते अरे एक दिन होल्ड करना चाहिए था, लेकिन इंट्राडे में के मार्जिन में आपके पास मार्जिन कम होता है, मार्जिन मिलता है इसलिए आप लोग ट्रेड करते हो और लॉस करके बैठ जाते हो, बराबर है। अगर सेम इन्वेस्टमेंट आपको ऑप्शंस में वन मंथ के लिए होल्ड करने के लिए मिलता है तो क्यों ना करें? इज इट, देखिए अगर सेम इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्सेल, देखिए सेम अगर 4300 मैंने तभी इन्वेस्ट किया था निफ्टी में, बराबर, अगर निफ्टी
अगर मैं मंडे को ट्रेड करता हूं और वेनेसडे तक होल्ड करता हूं, 3 दिन में क्या पॉसिबल है कि 3 दिन निफ्टी 1 से डाउन ही जाने वाला है? अब तो जाएगा ही जाएगा। जैसे 4000 इन्वेस्टमेंट में मेरे को 4000 के इन्वेस्टमेंट में सिंगल लॉट पे अगर मुझे वो पूरा 4000 नहीं चाहिए, एक 1.5 से 2000 का भी प्रॉफिट मिलता है तो भी मैं एग्जिट कर सकता हूं, या तो सेम डे या तो नेक्स्ट डे या तो एक्सपायरी तक रुक सकता हूं। माना कि आपने 4 वीक्स में सेम ट्रेड लिए, क्या चारों वीक आपके डाउन जाएंगे? इज इट नॉट पॉसिबल ना? देखिए अभी एक दूसरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं कि सेम इन्वेस्टमेंट में आपको 1 मंथ का अगर होल्डिंग टाइम मिलता है तो कैसा होगा, मैं आपको अभी स्ट्रेटेजी लगा के दिखा रहा हूं। दिस इज सेम, आपने एक निफ्टी का फ्यूचर बाय किया, फ्यूचर प्राइस है अभी 17, वन सेकेंड ना, फ्यूचर प्राइस इज, एक सेकेंड, फ्यूचर प्राइस 17,352। ओके, सो अभी मैं क्या कर रहा हूं, निफ्टी का फ्यूचर बाय करता हूं, ओके। अभी इसमें ही देखिए अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस मुझे मिल रहा है यहां पे। अगर और यहां पे इन्वेस्टमेंट है अराउंड 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है तो ये भी बड़ा है अपने लिए। अगर मार्केट अगर डाउन चला जाता है तो आपका 1 लाख का 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है ना, अराउंड 70,000-80,000 का लॉस भी हो सकता है विद इन 1 मंथ। 1 से डाउन तो जाने वाला नहीं है लेकिन रिस्क क्यों उठाने का। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे पुट बाय करता हूं लॉन्ग। सी नाउ द, अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस है 17,350 एंड स्ट्राइक प्राइस इज 84 समथिंग, एक सेकेंड, अभी मेरा जो रिस्क था कितना, जो मेरे को अनलिमिटेड लॉस जो था, अभी देखिए मुझे मैक्सिमम लॉस 6,800 का ही होगा। मार्केट कितना भी नीचे गया तो इससे ज्यादा लॉस होने ही वाला नहीं है। अगर ऊपर चला गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट तो मुझे दिख रहा है। तो ये है, इसके स्ट्रेटेजी का नाम है प्रोटेक्टिव पुट। ओके, अभी ये प्रोटेक्टिव पुट कभी करना है आपको, एवरी मंथ आपको 2 से 3 तारीख के बीच में आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मंथ एंड तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखा तो मैं आपको चार्ट लगा के दिखाता हूं कि कितना इसमें सच्चाई है। सी, ये निफ्टी का चार्ट है, दिस इज 1 मंथ चार्ट, एक कैंडल 1 मंथ का है, बराबर। सपोज मैंने आपको अभी बताया ये स्ट्रेटेजी आपको एवरी मंथ लगानी है और आपकी इन्वेस्टमेंट है अराउंड 40,000, नॉट मोर देन 40,000, और आपका मंथली रिस्क है नॉट मोर देन 10,000। ओके, सपोज आपने यहां पे लगा दिया प्राइस, एक सेकेंड, सी अभी मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं, अगर आप एवरी मंथ लगाते हो तो आपको ये स्ट्रेटेजी में कितना प्रॉफिट होगा और इससे आप इंट्राडे के लॉस से हमेशा बच जाओगे। देखिए आपका 40,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, समझो आपने ये रेड कैंडल दिख रही है मेरी, ये रेड कैंडल, सी ये मार्च की रेड कैंडल, वो लॉकडाउन में जो फॉल हो गया ना मार्केट अराउंड 3 to 4,000 मार्केट गिर गया निफ्टी, तो वो टाइम पे आपने सेम 40,000 इन्वेस्ट किया, एक सेकेंड,
सी आपने मार्च में इन्वेस्ट किया मार्च 2020 ओके सॉरी मार्च 2020 आपने 40,000 इन्वेस्ट किया और आपका PNL हो गया इन्वेस्टमेंट ओके वन सेकेंड ओके सी मार्च में आपने इन्वेस्ट किए 40,000 आपका पीएनएल में आपको -10,000 माइनस दिख रहा है फॉर एग्जांपल आप मार्केट 4,000 गिरने के बाद फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रेटजी से बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी अगर मार्केट कितना भी गिरता है तो आपका उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूं आपको सी अगेन सेम 40,000 आपने वापस इन्वेस्ट किया यहां पे अप्रैल में उसने कितने पॉइंट्स दिए आपने उसने हाई मारा 9889 लो मारा 8055 मींस आपको रैली दी उसने 9889 8005 लगभग दिस माइनस दिस ओके वन सेकेंड 8055 ओके सो आपको दिस इतना प्रॉफिट दिया उसने दिस मल्टीप्लाई बाय 75 यहां पे आपको मिला अगेन यू इन्वेस्टेड 40,000 यहां पे आपको मिला 1,37,550 ओके ओवरऑल ये अप्रैल 2020 ओके अभी अगर आप एसेट इन्वेस्ट करोगे ओनली दिस मच तो भी काफी है ये स्ट्रेटेजी अगर प्रोटेक्टिव पुट एवरी मंथ अगर आप लगाओगे ना आप देखिए यहां से लेके आपने देखा कितने ग्रीन कैंडल है एक सेकेंड आपने देखे ग्रीन कैंडल ज्यादा है रेड कैंडल कम है निफ्टी हमेशा बुलिश ही रहा है मार्केट्स में आप बैक टेस्ट भी करोगे रेड कैंडल कम है और ग्रीन कैंडल ज्यादा है ओवरऑल आपका एमटीएम लॉस इंक्लूडिंग लॉस प्लस में ही है ओवरऑल फ्रॉम लास्ट वन ईयर से लेके आप देखेंगे ना फ्रॉम अप्रैल टू टिल नाउ सी आपको टोटल आपको कितना मिला है मालूम है फ्रॉम लास्ट मार्च टू अब तक निफ्टी ने 18,600 का हाई मारा है दिस मींस दिस माइनस दिस मींस इतने पॉइंट्स आपने अर्न किए और वो टाइम पे 75 का लॉट साइज था अराउंड 7,90,000 अभी मैं 50 के साथ कैलकुलेट करता हूं 50 लॉट के हिसाब से 5,25,700 आपको मिल रहा है विद इन वन ईयर तो ऐसा आप करेंगे स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग लॉस है 5 लाख जो 5 लाख एंड 6 लाख जो भी मैं बोल रहा हूं वट एवर आप देखेंगे ना तो ऐसे स्ट्रेटजी में आप ट्रेड करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इंक्लूडिंग आपका जो मंथली सैलरी है आपका वीकली में कन्वर्ट हो जाएगी और एवरी वीक आप अच्छे खासा ट्रेड कर पाओगे एवरी वीक अगर इस स्ट्रेटजी में करोगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में प्रोटेक्टिव पुट लगाइए या तो लॉन्ग स्ट्रैंगल लगाइए हर ये सेम चीज आप HDFC बैंक में भी कर सकते हैं रिलायंस में भी कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में भी कर सकते हैं ओके ऐसी स्ट्रेटजी आपको ये सोच के करनी है इसके आगे भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है अभी कैसे टाइम थोड़ा सा कम है और
और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है तो आपको, मैं ये दो स्ट्रेटेजीज में आपको अगर रेस करने हैं तो कर सकते हैं। ओके प्लीज मेल स्ट्रीट ऑन एनी क्वेरीज इन दिस स्ट्रेटेजीज, अगर किसी को नहीं समझ में आई। फ्यूचर का मंथली स्ट्राइक्स पुट बाय, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फ्यूचर का मंथली स्ट्राइक्स पुट बाय काशीनाथ एम, व्हाट इज दिस, विच स्टॉक वर्क्स ऑन दिस, एनी फ्यूचर स्टॉक्स, फ्यूचर में जितने भी स्टॉक्स है सब में वर्क होगा ये। विच पुट वी हैव टू बाय एट द मनी पुट, अगर आपने फ्यूचर बाय किया है तो एट द मनी का पुट मीन्स करंट प्राइस का पुट ही बाय करना है आपको। हाँ, कैन यू रिपीट द स्ट्रेटेजी, ऑफकोर्स आई विल रिपीट, वन मिनट वन सेकेंड सर, हाउ टू एक्वायर दिस स्ट्रेटेजी, बोथ द स्ट्रेटेजीज, ओके वन मिनट, वन मिनट आई विल रिपीट दिस अगेन, हु इज दिस जय कुमार मेनन, टू वन सेकेंड, सी आई विल रिपीट द बोथ स्ट्रेटेजी, सी दिस इज निफ्टी स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं मालूम। टेक्निकल एनालिसिस में देखिए, मूविंग एवरेज हो, फिबोनाची देखो, ये देखो, वो देखो, बहुत सारा झंझट है। फ्यूचर ऑप्शंस में ये सब पूरा जीरो कर दो आपका दिमाग से, अगर आता है तो भी। अगर आपको वन सेट ट्रेड लेना है तो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं लेना है तो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी निफ्टी है करंट 17325 पे, मेरा माउस दिख रहा होगा आपको, क्लोजिंग हो गया। तो आपको ऑप्शन चेन देखना है, पहले बात तो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 17300, मतलब ये एट द मनी हो गया, करेक्ट, बराबर है 17300 या और 350, दोनों में से एक। आपको क्या करना है, फ्यूचर बाय करना है। पहले फ्यूचर बाय किया आपने, फॉर एग्जाम्पल देखिए, सी दिस, ओके आपने ये फ्यूचर बाय किया, अभी इसमें क्या दिख रहा है, डाउन में बॉटम लाइन में देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल निफ्टी अगर 1715 तक आता है, 17125 तक आता है तो कितना लॉस होगा, अगर 1700 तक आता है तो कितना लॉस होता है, निफ्टी अगर, हेलो हेलो, हाँ था मेरे फोन चला, फोन मत कीजिए, हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ वन सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हेलो, हाँ अगर निफ्टी यहां से 600 तक आता है, फ्रॉम 300 टू 600 तक आ जाता है तो 13,000 प्रॉफिट दिख रहा है आपको। अगर डाउन गया तो अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है आपको। इसको, ये लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे पुट बाय किया है। देखिए मेरा एक्सेल शीट वन, ये कभी भी एक एक्सेल शीट है ना, आपको स्ट्रेटेजी से पहले आपको देखना है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। इसके साथ साथ एक्सेल शीट के साथ साथ अभी हमारे यश जी वो एक को सॉफ्टवेयर सजेस्ट करेंगे आपको, वो आपको इंट्राडे का लेवल भी दिखा सकते हैं। ये एक्सेल शीट है, एक्सपायरी तक का लेवल दिखा रहा है आपको, एक्सपायरी तक का आपने ये ली लिया तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है आपको। ओके अभी 17300 का पुट ले लिया मैंने, 84 में बाय किया, प्रीमियम दिया, सॉरी कॉल नहीं, पुट बाय किया इधर, वन से माइनस वन। ओके अभी सी, जो मेरा अनलिमिटेड लॉस दिख रहा था, निफ्टी अगर गिर रहा था तो मेरे को ओनली 6800 तक का मेरे को दो दिन के लिए रिस्क है, लेकिन अब ट्रेंड गया तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट यहां पे दिख रहा है। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट यश एंड लवीना, दे विल मेल यू अगेन चैट अगेन एनी क्वेरी। आई have taken naked in Apollo Future, Apollo Hospital Future, and it's now 60,000 loss. How can it I convert to protective put? Okay, ये आपका future buy किया है ना आपने सर? हाँ, सर एक मिनट,
one second. I have taken naked in Apollo Officer Futures and it's now 60,000 loss. Now, how can I convert it to protective put? See, अगर आप अभी भी प्रोटेक्टिव पुट बाय करोगे तो आपका लॉस ब्लॉक हो जाएगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा अगर वो वन सेट डाउन होता है तो ओके. लेकिन अभी आपको क्या करना है, यू जस्ट वेट फॉर द यू टर्न, अपोलो हॉस्पिटल विल गो अप. फॉर एग्जांपल देखिए, अभी अपोलो हॉस्पिटल का मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, मैं ये लॉस को भी आपका प्रॉफिट में बदल जाएगा. देखिए अगर आपने अपोलो हॉस्पिटल का मैं ओपन करके दिखाता हूं, मैं अपोलो हॉस्पिटल, ये अपोलो हॉस्पिटल का ऑप्शन चेन है. वन सेकेंड, दिस इज ऑप्शन चेन. ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल का फ्यूचर है सपोज 5,200 का अभी प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस. ओके, अभी देखिए मैं अपोलो हॉस्पिटल में 5,200 ओके अभी इसका कॉल भी बाय करता हूं. सो फॉर एग्जांपल इसका फ्यूचर पहले बाय करता हूं एंड इसका लॉट साइज है अराउंड 125 ओके. लॉट साइज इज 125 ओके. नाउ सी ओके सी अभी अपोलो हॉस्पिटल वन साइड अगर ऊपर जाता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, वन साइड नीचे जाएगा तो अनलिमिटेड लॉस है. आपने सर फ्यूचर बाय किया है, आपको क्या करना है ये लॉस को प्रॉफिट पे कन्वर्ट करने के लिए. सपोज वो टाइम पे अगर आपने एक लॉट सी पुट बाय किया होता ना 5,200 इसका सॉरी 5,200 स्ट्राइक प्राइस एंड इसका एक सेकेंड वन 169 करंट प्राइस चल रहा है अभी जी 169 ओके. देखिए अभी ये स्ट्रेटेजी होती ना आपको मार्केट अपोलो सॉरी अपोलो हॉस्पिटल कितना भी नीचे जाता तो आपको 21,000 का ही रिस्ता विद इन वन लॉट, ऊपर जाते हैं तो अनलिमिटेड प्रॉफिट दिख रहा है आपको. बराबर है, समझो माना आपने 2 तारीख को ट्रेड लिया और कुछ अनाउंसमेंट आ गया इवनिंग में 8 बजे कुछ भी निगेटिव वो कंपनी के बारे में और आपको आपने तो ट्रेड तो लगा लिया. आपको क्या करना है, सिर्फ लॉट साइज बढ़ाना है इधर दो, मतलब ये पुट का लॉट साइज बढ़ाना है 2 या 3 लॉट ओके. क्योंकि फ्यूचर का पुट का लॉट साइज में आपको ज्यादा और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगेगा. ये देखिए अगर अपोलो हॉस्पिटल यहां से लेके अगर गिर भी जाता है तो भी आपको आपका लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर टेकिंग दिस स्ट्रेटेजी. पुट का उसके अलग स्ट्राइक प्राइस का भी आप लॉट लेओगे ना तो भी आपका लॉस जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है. तो दिस इज अ कॉल्ड प्रोटेक्टिव पुट को भी आप लॉस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. एनी मोर क्वेश्चंस सर? सर इन साइडवे मार्केट, या साइडवे मार्केट के लिए देयर इज अ आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजीज है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा. एंड सर स्ट्रेटेजी से ब्रेक इवन टू काफी बड़ा हो जाएगा, फ्यूचर बाय एटीएम पुट बाय प्रीमियम ज्यादा होगा एट द मनी का. ऑफ कोर्स एट द मनी का प्रीमियम तो इतना ज्यादा भी नहीं है, हार्डली 15,000 से 20,000 के आसपास होता ही है अगर स्टॉक के ऊपर डिपेंड है. महेश हाँ, आई हैव टेकन नेकेड इन अपोलो. अच्छा ये हो गया. एनी मोर क्वेश्चन सर? पुट इज मंथली एक्सपायरी और करंट वीक. स्टॉक में तो मंथली एक्सपायरी होता है और निफ्टी का आपको वीकली रिस्क लेना है तो वीकली भी ले सकते हैं. निफ्टी का फ्यूचर बाय किया और वीकली पुट बाय किया एट द मनी का. और अगर सेम अगर आपको 1 मंथ के लिए रखना है तो मंथली आप ले सकते हैं. निफ्टी हाँ. एनी वन एनी मोर क्वेश्चन सर?
Hello, Lavina, you can take it. What is monthly expiry currently? I think I covered all the questions. Do you need a square off both the position at the end of the month? Haan. पहले फ्यूचर स्क्वायर ऑफ करना है, बाद में हाँ वो तो क्वेश्चन आपको दोनों स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। पहले फ्यूचर स्क्वायर ऑफ करके पुट ऑफ मंथली एक्सपायरी ऑफ करंट वीक। हाँ ये तो सब हो गया। प्लीज सेंड दिस ट्वीट ऑडियो। ओके लेवीना, हेलो यश, Are you hearing? Hello? Hello? One minute. Okay, no issue. Okay, so I can, we can end the session now. And Yashji will inform you the next session. I will show more strategies on these future and options. So without knowing in technical analysis how you can make profit in both the ways. Okay. Goodbye and good evening.